नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने एक बार फिर से मानवता का परिचय दिया है। जवानों ने एक नाबालिग को पाकिस्तान को सौंप दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के बाड़मेर में 8 साल का एक पाकिस्तानी बच्चा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत आ गया। यहाँ सीमा पर तैनात जवानों ने रो रहे बच्चे को देखा और उसे अपने साथ ले गए। फिर उसे अच्छे से खाना खिलाया, उसे चॉकलेट दी, जिसके बाद भारत पाक जवानों के बीच शाम 7 बजे फ्लैग मीटिंग, जिसमें बालक को वापस पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया गया। मानवीयता के साथ ये खबर इसलिए भी खास है कि इसी बाड़मेर का एक युवक बीते कई महीनों से पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन पाकिस्तान उस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। बताया जाता है कि बाड़मेर जिले के बीजराड़ पुलिस थाना क्षेत्र के सज्जन का पार निवासी युवक गेमरा राम 5 नवंबर को रात के अंधेरे में तारबंदी पार कर पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान सीमा में जाते ही उसे 6 नवंबर को वहां के रेंजर्स ने पकड़ लिया। पाक रेंजर्स ने इस बारे में भारत के BSF अधिकारियों को जानकारी दी और गेमरा राम को वहां जेल में बंद कर दिया। पाक रेंजर्स ने BSF अधिकारियों को गेमरा राम के उनके कब्जे में होने की जानकारी तब दी जब तारबंदी पार कर पाकिस्तान की तरफ से 84 बकरियां और 8 भेड़ बाड़मेर में आ गई। तारबंदी पार कर इनके बाड़मेर में आने पर BSF अधिकारियों और पाक रेंजर्स की वार्ता हुई। इस दौरान पाक रेंजर्स ने बताया कि गेमरा राम नाम का एक युवक तारबंदी पार कर उनके यहाँ पहुँच गया था और वो अब जेल में बंद है। इस वार्ता के बाद BSF ने पाकिस्तान से आई बकरियां और भेड़ वहां के रेंजर्स को सौंप दी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारतीय युवक को लौटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।